फाइनल टाइम आ गया है इस व्यू को गुड बाय कहने का, क्योंकि अभी मैं इंडिया के लिए वापस निकल रही हूँ। वो सामने स्काई ट्री जहाँ से मैंने आपको पूरा टोक्यो का व्यू दिखाया था, और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और 4:30 पे टोक्यो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी प्यारा लग रहा है, व्यू हमेशा याद रहेगा, मेमोरी के लिए भी कैप्चर हो गया और आप लोगों को दिखाने के लिए भी कैप्चर हो गया है। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि अभी मैं 5-7 दिन यहाँ पे और घूम सकती थी, बट जाना पड़ेगा, जर्नी यहीं एंड हो रही है। और ये मेरा रूम था, काफ़ी अच्छा रूम था, कोजी सा एक बेड था और ये सब चीज़ें थी। चेकआउट है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, मुझे यहाँ पे अपना की ड्रॉप करना था और मेरे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं थे, सो दैट्स गुड। तो भी चलते हैं फटाफट से अपनी ट्रेन की तरफ, और ट्रेन पकड़ते हैं वरना लेट हो जाएंगे फिर। 4:30 हो गया है और बहुत ज़्यादा सामान है, इतनी दूर जाने में टाइम लगेगा, सो लेट्स गो। हाय गाइस, अभी मैं मेट्रो स्टेशन आ चुकी हूँ और 5 बज रहे हैं, और अभी 5 बजे की एक मेट्रो है, उससे मुझे एक स्टॉप के बाद मेट्रो चेंज करना है। देन उसके बाद जो मेट्रो मुझे मिलेगा वो सीधा मुझे अपना एयरपोर्ट है वहाँ पे छोड़ेगा। सो अभी मैं मेट्रो के लिए वेट कर रही हूँ, शायद अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 5:08 पे है मेट्रो, सो दैट विल बी गुड। सो मेट्रो लेते हैं और अपना जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली ऐसा थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है यहाँ से जाते हुए, क्योंकि 6-7 दिन का जो ट्रिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, काफ़ी सारी मेमोरीज यहाँ से ली है। बट कोई नहीं, हर एक जर्नी का एंड होता है तो जाना तो पड़ेगा। सो चलो देखते हैं, मेट्रो आती है तो उसमें चलते हैं फिर। सो अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ, टर्मिनल T2 पे पहुँच चुकी हूँ, और मैं अपना लगेज है वो एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि सिक्योरिटी चेक इन मैं अच्छे से कर पाऊँ। ऑल सेट। थ्रू आउट इस जर्नी में बेस्ट पार्ट ये रहा कि जब मैं वहाँ से निकली थी तो 5:08 पे मुझे ट्रेन मिल गई, देन 5:15 पे मुझे जो एयरपोर्ट है उसके लिए भी ट्रेन मिल गई। सो मैं 6:15 पे एग्जैक्ट यहाँ पे रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ, टर्मिनल T2 और T3 के लिए जो है नरेटा, टर्मिनल T2 और T3 के लिए। सो दैट इज़ गुड पार्ट। और हमारी जो फ्लाइट है वो 9:15 पे है, तो भी हमारे पास इनफ टाइम है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि यार मैं 1-1.5 घंटे में पहुँचूँगी या नहीं पहुँचूँगी, बट मैं टाइम टू टाइम पहुँच गई, सो दैट्स ग्रेट। सो अभी टर्मिनल T2 के लिए हमें यहाँ सामने की तरफ जाना है। चलो चलते हैं, एंट्री लेते हैं और एक बार मैं चेक इन करती हूँ, अपना लगेज वगैरह देती हूँ। अभी अभी मेरा कैमरा नीचे गिर गया, बच गया थोड़ा सा, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यार टूट तो नहीं गया, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अभी हम लोग एंट्री लेते हैं T2 में। दिस इज़ फॉर टर्मिनल T2 या, और मैं अपना लगेज चेक इन में देती हूँ, देन उसके बाद आपको मिलूँगी। पूरे 1 वीक में कड़वी कॉफ़ी पी पी के मैं कड़वी हो गई हूँ, बट मैं इतनी सारी शुगर और ये सब ऐड किया है इसमें, तो मैंने खा पी लिया है और खा पी के मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्टिल मेरा जो सिक्योरिटी चेक इन होने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो मैं ऐसे स्टोर है ओपन हुआ है उसका एक्सप्लोर करने के लिए आ गई, क्योंकि टोक्यो में मुझे शॉपिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। जस्ट मैं घूम रही थी इधर उधर, घूमी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मैंने शॉपिंग कुछ भी नहीं की है। तो मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ घर वालों के लिए कुछ, अगर रिजनेबल मिला तो। सो जस्ट बस मैं अंदर एंटर हुई हूँ, डेफिनेटली कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं लेती हूँ। और मैं यहाँ पे स्टोर देख रही थी, ये देखो बहुत सारा सामान है यहाँ पे, तो मैं ट्राई करती हूँ कुछ अच्छा सा फाइंड आउट करने की, और अगर कुछ अच्छा मिला तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे। सो चलो देखते हैं। तो अभी मेरा चेक इन टाइम हो गया है, तो आई थॉट मुझे चलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगी। और अभी टाइम क्या हो रहा है, अराउंड 8 हो रहा है, उन्होंने 8:35 का टाइम दिया था कि सिक्योरिटी चेक इन है वो 8:35 स्टार्ट होगा, बट हम जाके लाइन में लग जाते हैं ताकि सबसे पहले हम लोग अंदर चले जाएं, क्योंकि 9:15 पे ही मेरी फ़्लाइट है। और मैंने यहाँ से कुछ शॉप किया था अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए, क्योंकि यार वो जाते ही पूछेंगे क्या लेके आए, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ मैं उनके लिए ख़रीद लेती हूँ। और पता है मुझे 3 आइटम का मुझे 3300 येन पे करना पड़ा है, सो कॉस्टली, बट ले लिया मैंने।
मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर नीचे जाने के बाद। सो चलो पहले नीचे चलते हैं। ये वाला मेरा एयरक्राफ्ट है जिसमें मैं जाने वाली हूँ, और अभी मैं ना बोर्डिंग कर लिया है और मैं अभी फ्लाइट में जा रही हूँ। सो होपफुली अभी आज मुझे विंडो सीट मिल जाए, क्योंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आई वांट विंडो सीट। सो दे टोल्ड मी कि हाँ हम कोशिश करेंगे देने की, तो देखते हैं देखे कौन सी मिलती है, क्योंकि बड़ा मन था कि मुझे विंडो सीट मिले। सो अभी जो अगेन जो सिक्योरिटी चेक इन होना था हांगकांग एयरपोर्ट पे, वो कंप्लीट कर लिया है, और फ्लाइट में मैंने अपना स्पेक्स है वो भी तुड़वा लिया है। पता नहीं कैसे टूट गया, गिर गया था या क्या हुआ था, आई डोंट नो। सो अभी मैं अपना जो बोर्डिंग गेट है वो मुझे नहीं नंबर मिला है, तो मैं इंफॉर्मेशन काउंटर से पूछती हूँ, देन उसके बाद हम जो हमारा बोर्डिंग काउंटर है उधर ही जाके बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे खाने वाली जगह बैठने से बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन आइटम्स में मिल नहीं रहा, तो बेटर है कि हम लोग उधर ही चल के बैठ जाएँ। एक्सक्यूज मी, CS 695 या फॉर न्यू दिल्ली? गो टू दिल्ली या नॉट येट? गेट नंबर इज नॉट नॉट येट। सो अभी हमारा जो बोर्डिंग गेट नंबर है वो डिसाइड नहीं हुआ, तो चलो रैंडम जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि मुझे कहीं बोर्डिंग गेट के पास जाके बैठना है, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी चार्ज करने हैं। सो मैं अभी ऐसे रैंडम 40-59 जो गेट नंबर है उस साइड में जाके बैठ रही हूँ, या फिर हम लोग 60-80 वाले की तरफ भी जा सकते हैं। 60-80 वाले की तरफ नहीं जाके हम इधर ही जाएंगे। सो चलो चलते हैं। ऐसे ही मैं किसी रैंडम गेट पे आके बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी है, तो हम फ़ोन है वो दोनों चार्ज लगा देते हैं। कुछ जापानी शुगर बॉल्स हैं जिसके मैंने 4-5 पैकेट्स हैं वो बाय किए हैं, जिस टाइप से हैं, क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी। इसमें सर ये हल्की है ऊपर की तरफ, और अंदर ये शुगर बॉल्स का एक कंटेनर है, तो काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा कुछ नहीं लेके आई मैं किसी के लिए, तो मैं ये वाली चीज़ें गिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने अपना कैमरा एंड फ़ोन वगैरह सब चार्जर पे लगा दिया है, और थोड़ी देर चार्ज करूँगी। और अभी अराउंड 4 बज रहे हैं, और हमारा गेट है वो असाइन हो चुका है, दैट इज़ 34। तो 5:45 पे मेरी फ्लाइट है, उसके लिए मुझे 34 गेट पर जाना है। अभी मैं 43 गेट पर हूँ, तो आधे घंटे मैं ये सब कुछ चार्ज करूँगी यहाँ पर, देन फिर मैं उस डायरेक्शन में चली जाऊँगी। ये है ना क्यूट, ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। सो चलो इन सबको मैं वापस पैक करती हूँ, इनको चार्ज लगाती हूँ, एंड देन ऑब्वियसली आपको ये जो हाथ वगैरह देख के समझ में आ गया होगा कि अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी हूँ, और अभी अराउंड 9 PM हो रहा था, और 10:50 पे मेरी ट्रेन थी रोपड़ के लिए। तो फटाफट मैंने अपना लगेज है वो कलेक्ट किया, और फिर मैं ट्रेन के लिए मेट्रो पकड़ के निकल गई, क्योंकि जो मेरी ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से नहीं थी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से थी, तो वहाँ जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फाइनली जैसे ही मैं रोपड़ पहुँची, तो मुझे पता चला कि मेरे पास चप्पल नहीं है, तो मैंने मार्केट जाके ये वाली क्रॉक्स खरीदी। देन फिर बहुत दिन हो गए थे एक अच्छी सी चाय पिए हुए और कुछ खाए हुए, तो मैं जो रोपड़ में फेमस एक चाय वाला है वहाँ पे गई, वहाँ पे कुछ खाया पिया, चाय पी और मस्ती की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।